क्या हुआ ऋषि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मतलब इस बार भी नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ यार। हेलो टाइम क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है मुझसे, आज फिर देर हो गई। भारत का एकीकरण किया, प्रश्न पूछा जाता है, सरदार पटेल हमको नाम पता रहता है, दूसरा नाम है वो हमको पता नहीं रहता। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल का बाइसेक्ट किया जाए हेलो। हाँ गजोदर भैया। अबे तुम इधर कहाँ याद कर लिया आज? भैया वो पैसे की थोड़ी जरूरत थी। अबे तुम क्या बे, रोज रोज फोन से पैसा मांगा करते हो बे? तुमको ना एक मस्त आइडिया बताते हैं पैसा कमाने का। अच्छा भैया बताइए। एक बिनो में ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। जी। उससे तुम लगभग 30,000 रुपए तक महीना कमा सकते हो। ये ऐप 100% लीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये गूगल और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। इससे तुम लगभग पर डे 1500 रुपए तक कमा सकते हो। अच्छा भैया और बताइए इस ऐप के बारे में। अरे भैया इस ऐप से तुम डिफरेंट असेट्स पर भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और यहाँ तक कि कई डिफरेंट करेंसी पर जैसे यूरो, यूएसडी, और इससे आप 90% तक का प्रॉफिट उठा सकते हैं। बस फोरकास्ट करना है कि वैल्यू कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। देखो अभी हम अपने रियल अकाउंट की वीडियो बना के तुमको व्हाट्सएप कर रहे हैं। अच्छा भैया। देखो अब हमको इसमें लग रहा है कि असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इस पर 700 ट्रेड कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करते हैं। और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया, तो मैंने देखते ही देखते 1295 रुपये कमा लिए। वीडियो व्हाट्सएप कर दिया है, देख लेना। लेकिन हाँ फोरकास्ट गलत हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। अब इस अमाउंट को हम 24 घंटे में अपने बैंक या पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये है। डिपॉजिट करते वक्त अगर प्रोमो कोड का यूज़ करते हैं तो अमाउंट की वैल्यू डबल हो जाएगी, जैसे 400 का 800। और ट्रेडिंग में नए हो तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करिए तो 65,000 डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग और नई स्ट्रेटेजी सीखने के लिए। और हाँ कैपिटल रिस्क है इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, और यह ऐप 18+ वालों लोगों के लिए है। तो देर किस बात की भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिनोम ऐप का, जाओ डाउनलोड करो और ट्रेडिंग शुरू करो। आई एम अ बिनोमिस्ट एंड यू? भैया लकपेड़ा बाग चलेंगे क्या? बैठिए मैडम, क्यों नहीं चलेंगे? इसका मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज एनुअली एक बार ही मिलता है। ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट कर लेना, ठीक है? फोन ना करूं तो फोन भी नहीं मिलाया जाएगा। यार अंजलि मेरी गलती नहीं थी, कब तक मैं फोन करता रहूंगा? अच्छा तो अब हम दोनों की रिलेशनशिप में ये सब बातें भी आएंगी ना? देखो अंजलि अगर तुम बैंक की जॉब से फ्रस्ट्रेट हो ना तो मैं भी बेरोजगार हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें बैठ के मनाऊं। ऋषि मेहनत करो, खुद को बेरोजगार कहने से काम नहीं चलेगा। और ये मत भूलो कि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मेरी शादी तुमसे तभी हो सकती है जब तुम्हारे पास जॉब होगी, वरना वरना क्या अंजलि? वरना हम दोनों पर ही गांव में थू थू होगी। हाँ तो थू थू नहीं करानी है तो फोन रखो और पढ़ने दो।
ऋषि, ये जो तुम्हारे बात करने का लहजा है ना, मुझे नहीं लगता कि अपना ये रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा। हाँ तो ना चले, अभी फिलहाल मुझे पढ़ने दो। जैसे पढ़ने बैठो दिमाग खराब करके रख देंगी। बहुत हो गया यार, कब तक ऐसे चलता रहेगा। पापा, आप शादी के लिए कोई रिश्ता बता रहे थे ना, आप और दीदी देख लीजिएगा, अगर पसंद हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चलो अच्छा हुआ, कम से कम गांव से शादी करने की बला तो टली। लेकिन पापा, इसमें इतनी दिक्कत वाली क्या बात थी, वैसे भी हम लोग गांव में तो रहते नहीं है, शहर में रहते हैं। आपको पता है 23.5 डिग्री S जो है, इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोल। कल वाली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, आप पता कीजिएगा कितने ऐसे देश हैं जिनके तट को हम फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। आज वाली क्लास को इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। जरूर अंजलि का ही फोन होगा। ऋषि, आज पढ़ाने मत आना, आज एसटी करवाएंगे। एसटी? सर आज तो फ्राइडे है ना, एसटी तो सैटरडे को होती है। हाँ, आज अचानक से एसटी करवाएंगे, क्योंकि बच्चों को पता रहता है तो सैटरडे को एसटी देने नहीं आते। ठीक है सर, तो कल क्लास होगी क्या? हाँ कल क्लास होगी, कल आप आइए। ठीक है सर, ओके। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऋषि, सीजीएल मेंस का रिजल्ट आ गया है, अपने यहाँ से 3 बच्चों का हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया इस बार। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंजलि, हमने और तुम्हारी दीदी ने एक लड़का देखा है तुम्हारे लिए, कल उसकी फोटो आ जाएगी, तुम भी देख लेना, अगर तुम्हें पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन पापा, ऋषि, ये जो तुम्हारे बात करने का लहजा है ना, मुझे नहीं लगता कि अपना ये रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा। हाँ तो ना चले, अभी फिलहाल मुझे पढ़ने दो। क्या हुआ अंजलि? अगर तुम्हें लड़का नहीं पसंद होगा तो हम मना कर देंगे, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है लड़का तो ठीक ही होगा। इतना भी गुस्सा होने वाली कौन सी बात कह दी थी मैंने, जो अभी तक फोन ही नहीं उठा रही इतने दिनों से। हाँ रोहित भाई, पढ़ाई से फुर्सत मिल गई, इधर कैसे याद कर लिया आज? भाई तेरे लिए बुरी खबर है। क्या हुआ? रिजल्ट की साइट तो ओपन नहीं हुई है, और इससे ज़्यादा बुरी खबर तो कोई हो ही नहीं सकती मेरे लिए। अब यार तेरी अंजलि से बात नहीं हो रही है क्या? क्यों,
जिससे उसकी शादी फिक्स हुई है ना, वो दोस्त है मेरा। शादी फिक्स हुई से क्या मतलब है? अरे यार, जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ तुझे। ऋषि, बाहर वाली क्लास खाली है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ सर, ऑफिस आ गए हैं। हाँ, लंच टाइम हो गया है। हाँ, अभी कैबिन में कोई है सर। ठीक है सर, काम करवा के आते हैं। अरे ऋषि, तुम यहाँ पर कब पोस्टिंग हुई तुम्हारी? अंजलि, तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई थी। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं बताता हूँ। हाँ, कंफर्म करता हूँ। ओके अंजलि, बेटा लड़कों वाले से बात हो गई है, कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। कल? इतनी भी क्या जल्दी है उन्हें? क्योंकि परसों लड़के को दिल्ली जाना है। पापा, मुझे नहीं करनी है उससे शादी। मैं बताऊं, तुमको ऋषि के अलावा किसी और से शादी ही नहीं करनी। दीदी, उन्हें मना कर दीजिएगा, मुझे नहीं करनी है उससे शादी। क्या पापा, आप भी? जब वो कह रही है उसे शादी नहीं करनी है तो अभी नहीं करते हैं? आप भी रोज एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं। पूजा, मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये शादी नहीं हुई तो इसके बाद दूसरा लड़का नहीं देखा जाएगा। तब से ना पापा ने मुझसे कोई बात की है शादी के बारे में, ना मैंने पापा से। खैर, जो भी हो, अब बताइए आप किस काम के लिए आई हैं? मुझे ऑफिस के काम से बाहर निकलना है। सर, वो मेहता जी के बैंक रिकॉर्ड्स आपके विभाग ने मंगवाए थे जांच के लिए, इसलिए आपकी रिसीविंग चाहिए थी। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। अंजलि। जी सर। किसी का परिश्रम कभी भी खाली नहीं जाता है, और देर सवेर उसका फल उसको अवश्य मिलता है। सॉरी सर। अंकल को गांव भेज देना पापा से बात करने के लिए। वो कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो शायद ये जोड़ी भी ऊपर वाले ने ही बनाई थी। जीवन साथी का हाथ पकड़ बराबर से चलना, कभी अभिमान नहीं करना, खुद परिश्रम करना और उसे भी मेहनत करने का साहस देना। अगर कभी कदम दो कदम पीछे भी रह जाए साथी, तो थोड़ा धैर्य जरूर बनाए रखना। जल्दबाजी में अकेले ही जीवन के सारे फैसले कर पश्चाताप की आग में कभी मत चलना। पश्चाताप की आग में कभी मत चलना।